आप सभी को परमेश्वर पिता के नाम में जय मसीह की जय मसीह की हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें की परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा आशीष दिया कि हम एक बार फिर से आनंद विनंदा के पेट में आके परमेश्वर की आराधना को करने वाले बन सके। वचन कहता है जहाँ मेरे नाम में दो या तीन एकत्रित होते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर हमारे साथ संग हमेशा संग और साथ रहते हैं। हम इस बात पर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के आराधना आरंभ करने से पहले एक प्रार्थना कर जाएंगे और आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़ें और परमेश्वर पिता की ओर चलें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आशीषित किया कि हम आपके इस बेटे अनुदय विनंदर के पेज में आके आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। आपने हमें एक फिर से मौका दिया परमेश्वर पिता कि हम आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। परमेश्वर पिता हम आपके नाम से हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े रहते हैं परमेश्वर पिता, उनको आप आशीषित करना। परमेश्वर पिता, उनके घर घर आना, उनको आशीषित करना। हम धन्यवाद देते हैं। आज जो हम गीतों को गाते हैं परमेश्वर पिता, वचनों को पढ़ते हैं, वो हमारे मन हमारे ही जन है बचने पाए परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आशीषित किया, हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में मैं आपके बेटे शुद्ध को उद्धार करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता की संगति में एक गीत गाएंगे और गीत का बोल है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। आइए हम इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने
हम परमेश्वर पिता के आगे परमेश्वर पिता के साथ आगे बढ़ने से पहले हम एक गीत और गाएंगे, और गीत का बोल है आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आइए हम इस गीत को गाएंगे। आराधना हो आते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी अगुवाई और प्रशंसा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं कि सुबह की भोर से रात की चांदनी तक पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला और ये समय दिया पिता परमेश्वर कि हम एक बार फिर से आपके साथ मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने वाले हो सकते। पिता परमेश्वर हमें ऐसा मौका देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कोविड की भयंकर बीमारी के समय से पिता परमेश्वर जब हम आगरा मसीह मंडली से जुड़े हैं प्रभु, आज तक उन्होंने हमें अपने इस ग्रुप में बनाए रखा है और हमें हर बार मौका देते हैं प्रभु। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर उन्होंने आपके बच्चों को आपकी संगति के लिए पिता हमेशा समेट के रखा है। हम उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं कि वो हर एक बातों में प्रभु और बढ़ने वाले और आपकी स्तुति प्रशंसा कर सब के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहरने पाए।
हमारे परिवार को चुनने के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। दोनों बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपकी इतनी कम उम्र में पिता आपको समझते हैं और आपके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर, जब हम वचन की संगति करते हैं प्रभु, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। जितने हमें देखते हैं उनके संग और साथ भी आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। और पिता परमेश्वर, हर एक के मन में वचन की अगुवाई चाहते हैं। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आज बोया जाए वो हृदय में फलवंत हो। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बिनती सुनाओ सुना। आमीन। जैसे वचन में कहता है मत्ती समाचार उसका 14 अध्याय उसके 27 पद से लेकर के पढ़ लेंगे हम 33 पद तक। यहाँ कहता है, तब यीशु ने तुरंत उससे उनसे बातें की। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढांढस बांध, मैं हूँ, डर मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, जा। जब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर वह तो देख कर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचाओ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अंतिम के 2 पद साथ ले लेंगे। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सभी को आशीष दे। आइए हम आगे का अवसर पास्टर विनय फिट को देंगे। खुदावन को हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको और मुझको अपनी पवित्र संगति में रखा कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें और उसकी पवित्रता में हम और आप शामिल हो सकें। जैसा कि अभी हम सबके समक्ष परमेश्वर के पवित्र वचन को, उसकी पवित्र संगति को रखा गया, यहाँ पे इस प्रकार से कहता है 29 पद में, उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पे चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि हम अपने आप को पवित्र वचन की संगति में डुबो सकते हैं। आपके संगति में हम आपके स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके संगति में निरंतर आप से चाल चल सकते हैं। हम धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता, हम आपके बगैर कुछ नहीं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारी दुहाई को सुनते हैं, आप हमारी पुकार को सुनते हैं और आज भी हमें संभाला है और अपने दाहिने और पवित्र हाथ की संगति में रखा है। हे पिता, हम आपके करुणा और दया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस संध्या के समय में जब आगरा मसीह मंडली के तत्वधान में होकर के प्रभु जी, जब हम आपस में सभी भाई बहन इस पवित्र संगति में शामिल होते हैं, तो खुदा बाप, हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहते हैं, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं, आपके पवित्र आत्मा में होकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जी, उसके बगैर हम सब अधूरे हैं। हे प्रभु, अपने सामर्थ को ले ताकि हम सब भाई बहन आत्मा और सच्चाई से आपको पुकारने वाले हो सके, आपकी महिमा करने वाले हो सके। धन्यवाद देता हूँ ईश्वर, आप हमारे सामना और साथ हैं। आदर महिमा गौरव आपको देते हैं और बिनती नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे इस प्रकार से कहता है, 29 पद में उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पे चलने लगा,
पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यह पद बहुत सुंदर है और इस पद पे न जाने हम सब भाई बहन हर एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन चुके हैं, लेकिन हर एक के शब्द अलग होते हैं। कोई किसी बात को लेकर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वचन को प्रचार करता है, कोई किसी बात को वहां पे लेकर के, और नाना प्रकार से परमेश्वर का वचन बात करता है। इसीलिए वचन को क्या कहा गया है? दर्पण कहा गया है। हम जितने बार उसे देखते हैं, हम जितने बार उस पर अपनी नजरों को लगाते हैं, हम जितने बार उस पर हम अपने आप को सम्मिलित करते हैं, हर बार वो नया होता है। और आज भी यहाँ पे लिखा है 30 पद में, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। आज का मेरा विषय है, आप कहाँ हैं? जब तक पतरस यीशु की ओर नजरें लगा के रखा था, यीशु से बातें कर रहा था, तब तक वो पानी में आनंद के साथ चल रहा था। जब उसकी नजरें प्रभु यीशु मसीह से हटी और उसके कान हवा की ओर, हवा के रुख की ओर हुआ, तो क्या लिखा? डूबने लगा। जी हाँ प्रियो, हम कहाँ हैं? आज भी मसीही जीवन ऐसी है, आज भी मसीही जीवन इसी प्रकार से निरंतर प्रभु के साथ चल रही है, लेकिन उनका मन, उनका हृदय, उनका दिल खुदावन से दूर है। खुदावन से क्या है? दूर है। आज का विषय कहता है, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? एक बार एक माँ अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाती है, और हर बच्चों को हर माता पिता लेके जाते हैं। मैं भी गया हूँ और मेरी पत्नी भी अपने बच्चों को लेके गई हुई है कई बार, और हमने कई बार वहाँ बैठ के खाना भी खाया, आनंद किया बच्चों सा, तो ये स्वाभाविक है और जनरल बात है। ठीक यहाँ पे भी एक माँ अपने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने लेके जाती है, क्योंकि बच्चे जानवर देखने के उत्सुक में रहते हैं, कुछ नया, और उसी चीज को बार बार दिखाओगे बच्चे क्या होंगे, वो क्या है, उनका मन भर जाता है, वो हर एक के पास है। तो एक बार एक माँ अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेके गई, और जब चिड़ियाघर घुमा रही थी तब उस बच्चे ने अपने माँ से कहा, ये क्या है? उसकी माँ ने कहा, यह ऊंट है। फिर बेटा सवाल करता है, उसके पीठ में ऊपर में क्या है? तब उसकी माँ उसको बताती है, यह कुबड़ है, वह एक वसा का स्रोत है, वहां पे पानी का स्रोत है, क्योंकि यह रेगिस्तान में चलने वाला ऊंट है और उसको प्यास लगती है, उसको भोजन तत्व की आवश्यकता पड़ती है, तो उससे वो ग्रहण करता है। फिर उसका बेटा उससे प्रश्न करता है, माँ इसके पैर लंबे लंबे क्यों? तब उसकी माँ उससे कहती है कि इसके जो टांग है लंबे लंबे इसलिए है क्योंकि इसको रेगिस्तान में चलना पड़ता है और बहुत दूर तक जाना पड़ता है, और उनके पैर लंबे होने के कारण यदि रेत में यदि गड्ढा होगा तो उसका पैर नहीं धसेगा। फिर उसका बेटा संतुष्ट होता है। फिर उसका बेटा अपनी माँ से सवाल करता है, माँ उसके आंख में ढेर सारे बाल क्यों हैं? बेटा यह रेगिस्तान में दूर तक देखता है, और जो इसके बाले हैं, आंखों में बाले हैं, वो रेत को आंखों में घुसने से बचाता है, रेत को आंखों में घुसने से बचाता है। तब चौथी बार उसका पुत्र अपने माँ से पूछता है, तो ये यहाँ क्यों है? तो ये यहाँ क्यों है? उसके माँ के पास उसका उत्तर नहीं था। जब उसके में काबिलियत है, जब उसमें सामर्थ है, जब उसमें ताकत है, जब वो सब कुछ कर सकता है, तो ये चिड़ियाघर में लोगों के मनोरंजन के लिए क्यों रखा गया है? मेरे प्रियो, वचन आपको और मुझको बतलाना चाहती है,
इससे इतने सारे गुण होने पर ये यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे किस लिए है, क्या कारण से है, क्या रेगिस्तान में जगह नहीं है? प्रियो, आपके अंदर भी कितने सवाल हैं, कितने भी क्वालिटी हैं, कितने भी बातें हैं, क्या हमारा जीवन भी ऐसी नहीं है? हम भी अपने संसारिक जीवन को कैसे जीते हैं? हमारा जीवन कहाँ का है, किसके संगति का है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हम कहाँ रहते हैं, हमारा उठना बैठना किन के साथ, हमारा चाल चलन कैसा है, हम किस प्रकार से अपने जीवन को इस संसार में जी रहे हैं? आज कहीं हमारा भी हाल इस उठ के समान तो नहीं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, उसके उद्धार को पा लिया, उसके अनुग्रह को पा लिया, अब हमें किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, अब हमने अब सब कुछ पा लिया, अब सुसमाचार फैलाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपका और मेरा पतन प्रारंभ होकर के खत्म हो जाता है, क्योंकि जब उस काबिलियत, जब वह सारे गुण आप में और मुझ में है, तो हमको अपने अस्तित्व को समझना है, हमको अपने बुलाए जाने को सोचना है, ताकि हम भी उस सुसमाचार को जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, हम भी उस सुसमाचार को क्या करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम से लोगों को दे। क्योंकि आपने और मैंने रुपए और मोल के वचन को नहीं सुना है, आपने और मैंने वचन को सेत में अनुग्रह के द्वारा बिना दाम के वचन को पाया है। ठीक इसी प्रकार से जब तक पत्रस की नजरें प्रभु यीशु मसीह पर थी, जब तक उसके कान और उसके पूरा शरीर प्रभु यीशु मसीह के तरफ थे, वो नहीं डूब रहा था। मेरे प्रियो, वचन साफ कहता है, पर वह हवा को देखकर डर गया। जब वो चलने लगा तो क्यों नहीं डरा, जब वो चलने लगा तो क्यों नहीं डरा, फिर जब हवा उसके कानों से टकराई तो क्यों डरने लगा? क्योंकि वह अपने आप को पहचानने लग गया था कि मैं अब बहुत अच्छा बन गया हूँ, अब मेरे को यीशु मसीह मेरा खुदा अब मुझे पानी में चलने की ताकत दे दिया, अहंकार का तो नहीं आ जा रहा है। दो ही कारण से महसूस होता है कि ऊंट चिड़िया घर में था। पहला कि वो अपने मालिक की बात नहीं मानने वाला था, दूसरा उसके अंदर घमंड आ गया। यदि काबिलियत रहती, योग्यता होती, तो उस मंजर में नहीं होता, उस चिड़ियाघर में नहीं होता, वो कहीं और होता। ठीक आज ऐसे ही मसीह भाई बहन लोग हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पा लिया है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार को पा लिया है, परंतु वो सोचते हैं कि जिसे हमने पा लिया अब हमसे कभी नहीं छीना जाएगा। ये आपकी और मेरी भूल है। मेरे प्रियो, आप कभी जाइएगा, अपने घर से छुरी लीजिएगा, नाइफ जिसे बोलते हैं, उसे जाके उसे मंजवा के लाइएगा, उसमें धार करवा के लाइएगा और घर में रख दीजिएगा। उसमें क्या होगा, जंख लग जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन जब तक वह चलते रहेगा, उसमें चमक और उसकी धार बनी रहेगी। ये मसीह जीवन की पहचान है। प्रियो, आज का मेरा विषय भी यही है, आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूं। आइए छोटी छोटी पांच बातों को देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है कि आप कहाँ हैं। पहली बात हम देखते हैं कि हमारी संगति कहाँ है, हमारी संगति किसके साथ है, हमारी संगति कहाँ है, हमारी संगति किसके साथ है। मनुष्य भूल जाता है कि मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मनुष्य भूल जाता है कि मेरा बचाने वाला मेरा जीवित प्रभु यीशु मसीह है, मनुष्य भूल जाता है कि मेरा बचाने वाला पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे निरंतर अपने संगति में रखता है। आज आप देखेंगे बहुत से लोग पासवानों को खुश करने में लगे हैं, बहुत से लोग
आज अच्छे अच्छे लोगों की संगति में जाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग आज मन में धारणा हो गई है कि वो लोग यहाँ पे पैसे में वचन बिक रहे हैं, वहां जा रहे हैं लोग। आज बड़ी बड़ी सभाओं में लोग क्या कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, वहां खाने को देंगे और एक गिनती की सीमा कर दिए हैं, 400-500 लोग, उससे ज्यादा कोई नहीं आ सकता और उतने लोग ही वचन सुन सकते हैं। लोग इस प्रकार से वचन को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। मेरे प्रियो, आपकी संगति किसके साथ? यदि आपकी संगति परमेश्वर के साथ है तो आपको वचन खरीदने की जरूरत नहीं है, वचन बेचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके द्वारा वचन की सेवकाई लेगा। मूसा को परमेश्वर ने क्यों बुलाया था? क्योंकि वो इब्री था और वो परमेश्वर के विषय में अपनी मां से सुना था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में दूध पिलाया था, उसकी माँ ने उसे पाल पोस के बड़ा किया था और उसे सब कुछ ज्ञात है कि मेरे भाई बहन और मेरे जीवित परमेश्वर कौन है। इब्राहिम का परमेश्वर पिता, इसहाक का परमेश्वर पिता, याकूब का परमेश्वर पिता। इसलिए वो उसकी संगति को जानता था और वो आशीषों को प्राप्त किया। वो इसराइलियों को मिस्र से निकालने वाला बना। हमारी संगति किसके साथ? यहोशू। अचानक एकाएक परमेश्वर यहोशू पे प्रसन्न नहीं हुआ कि मेरे दास मूसा मर गया है, अब मैं तुझे ढूंढ के ला रहा हूं। जी नहीं, परमेश्वर ने यहोशू को इसलिए ढूंढा मेरे प्रियो, क्योंकि वो मूसा का टहलुआ था, मूसा के विषय में सब बातें को जानता था। वो मूसा के संग रह करके वो अनुभव को प्राप्त कर लिया था। और यहोशू और यहू कालेब लोग क्या किए थे? कनान का भेद लेने गए थे। यही यहोशू है जो परमेश्वर के साथ रह करके हारून और यहोशू मूसा के दोनों हाथ को पकड़ के थामे रहते थे और युद्ध जीतते थे। इनकी संगति किसके साथ थी? जीते परमेश्वर के साथ थी। तभी तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना। और हम क्या सोचते हैं, ये पास्टर के साथ रहता है तो इसलिए इसको ज्यादा ज्ञान है? नहीं मेरे प्रियो, उस व्यक्ति की संगति इस पवित्र वचन के साथ में है। और जिस व्यक्ति की संगति पवित्र वचन के साथ में है, वो कभी भी डरेगा नहीं, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, परंतु परमेश्वर उसे आगे उठाएगा। क्योंकि वचन क्या है? जीवन है। मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा खुदा के पास चले जाएगी, लेकिन वचन अटल है, वो कभी टलेगा नहीं। दूसरी बात, हम कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हमको विचार करना है, क्योंकि अंत के दिन नजदीक है मेरे प्रियो। आप देख रहे हैं चारों तरफ युद्ध स्टार्ट हो चुका है, अपने अपनों को मार रहे हैं। आज मैंने इस बात को भी स्मरण किया दोपहर को, जब पास्टर कपिल शर्मा के पेज में जब इस बात को ध्यान पढ़ रहा था, तो मैंने इस बात को कहा कि आज बहुत से लोग इसराइल को घेर रहे हैं एक दूसरे से बड़े बनने के लिए। आज आप देख सकते हैं ढाका बांग्लादेश का हाल क्या है, एक दूसरे को मार के लोग क्या कर रहे हैं, राजपाट कर रहे हैं। दूसरी बात, हम देखते हैं हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हर कोई आगे बढ़ रहा है, अभी हर कोई, एक विश्वासी अविश्वासी, हर कोई आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे सत्य मार्ग की जानकारी नहीं है। जैसे पौलुस उन लोगों को, अथेने के लोगों को कहता है कि जो तुम अन्य देवी देवताओं को पूछते हो, क्या तुमको मालूम है, क्या तुमको मालूम है तुम किसकी आराधना करते हो? तब पौलुस उन्हें सिलसिले बार लोगों को बताया, अनजाने देवी देवता के लिए तुम जिसके लिए आराधना करते हो, उस जूते परमेश्वर का नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपके और मेरे लिए क्रूस के बलिदान सही और तीसरे दिन जो उठा और वो फिर आने वाला है। हम किसकी ओर, किस ओर आगे बढ़ रहे हैं? एक बात प्रयोग,
मैं जो महसूस करता हूँ बाइबल को पढ़ने से आपसे शेयर करता हूँ, चाहे वो धर्मी होगा तो भी, चाहे वह धर्मी होगा तो भी, दोनों आगे बढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आशीष धर्मी और धर्मी दोनों पे पड़ती है और दोनों फलवंत होते हैं। लेकिन क्या होता है, ताज मुकुट वही लिखता है जिसे सच्चाई ज्ञान के प्राप्त है। इसलिए मेरे प्रिय वचन क्या कहता है, जब तुम आगे बढ़ो तो पीछे सवाल जाता है कि मार्ग यही है। हमको अपने आप को देखना है हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हर कोई आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखे, बहुत से लोग आज वचन का प्रचार कर रहे हैं, बहुत से लोग वचन को बतला रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग उल्टे वचन को प्रचार कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह बता करके वचन का प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों के अलावा कोई नहीं। हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमको विचार करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है और उसमें आप और मैं मिलावट नहीं कर सकते। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं, ये पाप कर रहा है, मर क्यों नहीं रहा है, ये पाप कर रहा है, बढ़ रहा है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि एक दिन ये मेरा बेटा, एक दिन मेरी बहन, मेरी बेटी को वचन कोई ना कोई सुनाएगा, वचन उसके मन में काम करेगा, वो पाप की बुराइयों को त्याग कर मेरे वचन के पीछे चलने वाला हो जाएगा। जो कोई वचन के वचन से टकराया है वो हर कोई क्या हुआ, समय के साथ बदलते चले गए। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उनकी टकरार होती है तो अपने आप को पहचानते हैं हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमें यह मालूम नहीं। पौलुस के विषय में हम और आप जानते हैं, वो भी आगे बढ़ रहा था, वो भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब उसका इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह से हुआ तो क्या हुआ मालूम है, थम गया, ठहर गया, वहां से वो उसके मार्ग बदल गए और वही व्यक्ति सबसे अधिक पत्री लिखने वाला प्रभु का दास, प्रभु का बेटा ठहरा। अगली और छोटी बात हम देखते हैं, जब तक प्रभु का वचन आप नहीं पढ़ेंगे, आपको और मुझको नहीं मालूम है हमको किस ओर जाना है, हमको किस ओर जाना है हमको नहीं मालूम है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा ताकि मैं तुमको एक चरवाहा, तुमको एक अगवा दूंगा जो तुमको मेरी बातों में से मुझको सिखाएगा और जो तुमको सत्य मार्ग और जीवन बताएगा और मेरे तक पहुंचाएगा। और यही आपके और मेरे लिए क्या बन गया, सेतु बन गया और वो बीच के पर्दे को फाड़ दिया और आपका और मेरा मिलाप कर दिया ताकि आप और मैं उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के पास जा सके। हमको जाना कहाँ है, प्रभु यीशु मसीह के पास। और हम चल कहाँ रहे थे, इस संसार के बताए हुए बातों के अनुसार, इस संसार में उन बातों की ओर आगे बढ़ रहे थे जो दिखने में सुंदर, मन को भाने वाली, जैसे आदम हवा ने वो फल को खाया, देखने में सुंदर था, मन भावनी थी और वो क्या हुआ, आकर्षित हुआ। वैसे ही आज मनुष्य भी क्या हो रहा है, इस संसार की ओर आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इस संसार का चकाचौन हर को अपनी ओर खींच रहा है। अगली और छोटी बात हमको देखते हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं,
हमको यीशु मसीह की तरफ जाना है, हमको यीशु मसीह की तरफ जाना है, क्योंकि हमने अपने जीवन ऐसा लगता है जब वचन को पढ़ते हैं तो जी लिए, हमने बहुत पाप कर लिया, मन वचन कर्म से। अब हमें यीशु मसीह को लौटना है। यदि ये मन आपका अगुवाई करता है कि अब मुझे यीशु मसीह की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटना है, तो प्रभु आज भी अपने दोनों हाथ फैला के आपको और मुझको बुला रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए, प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी, मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी प्रचार करने की। हाँ प्रियो, क्योंकि वो पिता के कार्य को करने आए थे, इसीलिए वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय में हम उसके से पढ़ते हैं वो क्या किया, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया और कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यदि आज हम यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है, हम यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी संगति दिया, हम यदि आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आपको और मुझसे वादा किया है कि मैं फिर लेने आ रहा हूँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आज फिर आपसे मुझको एक वादा दे रहा है कि बोलता है मैं न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा, न मैं छोड़ूंगा न त्यागूंगा, आप कहाँ है, वो कह रहा है, वो आपसे वाचा बांध रहा है, पीढ़ी से पीढ़ी दर तक वाचा बांध रहा है, लेकिन हम कहाँ हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा यीशु कहाँ है, कहीं हम बातें कुछ और तो कर रहे हैं और मार्ग कहीं और पकड़ लिए, हमें विचार करना है कि अंतिम और आखिरी बार हम कहाँ हैं। प्रभु यीशु ही क्यों, बहुत सोचने वाली बात है, प्रभु यीशु ही क्यों, जब हम अपने आप को पहचानेंगे तब हम जान पाएंगे कि यीशु ही हमारे जीवन का उद्धार करते, यीशु ही आपका और मेरा मध्यस्थ है, यीशु ही सत्य मार्ग और जीवन है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में एक ही नाम है, इसलिए यीशु ही लिखा है बाइबल में कि हर एक आंख हर एक घुटने प्रभु यीशु मसीह के कदमों में झुके, यीशु ही। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को पहचाने, हम कहाँ हैं, कहीं हम उस ऊंट के समान तो नहीं जो आज लोगों के लिए ठट्ठा का कारण, मजाक का कारण, हंसी का पात्र बन के चिड़ियाघर में हो, हमारा वास्तविक काम क्या है, रेगिस्तान में लोगों को रेस्क्यू करना, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ऊंट का काम है, उसी प्रकार से आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के वचन को एक दूसरे के तक पहुंचाना, ये आपका और मेरा कर्तव्य है। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 28 अध्याय और उसके 18 से 20 पद में कहा, महान आदेश आपको और मुझको दिया है। तो फिर से मेरा एक प्रश्न है आपका है, यदि आप परमेश्वर की संगति में हैं तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, यदि नहीं है तो भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें संभाल, अपने संभाल, अपने संगति में प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके पास आते हैं, आपने हमारी पुकार और हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाया है, आपने हमें हर पल अपने दानियात की संगति में रखा है,
आज सुबह की भोर की रोशनी से लेकर के अब तक हमें आशीषमय जीवन दिया है और आपने यह अवसर दिया कि हम इस आगरा मसीह मंडली पेज में होकर प्रभु जी आपकी हम दो सिताइश कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके वचन को हम देख सके, आपकी पवित्रता को झांक सके और हम अपने आप को पहचान सके कि मैं कहां हूं। हम दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हम अपने आप को देखें कि मैं कहां हूं, मेरा मार्ग किस तरफ है। हे यीशु, आपसे प्रार्थना है हमें सामर्थ्य देना, जैसे हम आपके संगति में बैठते हैं वैसे ही हमारे दिन भर के दिनचर्या हो, ताकि वो पवित्रता हमारे जीवन में हो। और वचन कहता है बगैर पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। हे यीशु, हम अपने दोनों हाथ को उठा के आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी पवित्रता में हमें शामिल कर खुदावन, ताकि हम आपके उपस्थिति में चल सके, आपके संगति में आगे बढ़ सके, आपके संग संग होकर के प्रभु जी आपके प्रेम में सदा बने रहने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हर एक बातों में आपको आदर महिमा गौरव सम्मान देते हैं। हम इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।